दूसरी जानब ईडन हाउसिंग सोसाइटी में मुबैना फ्रॉड का मामला मुतासरीन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रहायश गाह ज़मान पार्क के बाहर सरापा एहतजाज हैं। वज़ीर-ए-आज़म से इंसाफ की अपील की है। बात कर लेते हैं आकिब तनवीर से। आकिब बताइएगा, बैनर्स भी उठाए रखे हैं, क्या मुतालबात हैं इनके? जी बिल्कुल, जो ईडन हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से जो मुबैना फ्रॉड किया गया है तो मुतासरीन जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, उनकी जानिब से एक तो नारेबाजी की जा रही है, दूसरा जो वज़ीर आज़म इमरान खान है उनसे मुतालबा किया जा रहा है कि वो हमें इंसाफ भी फराहम करें, क्योंकि जो 9 साल से इन्होंने अपनी रकम अदा की थी लेकिन इनको आज तक प्लॉट नहीं मिले, और सैकड़ों की तादाद में देखा जा सकता है कि जो यहाँ पे जो मुतासरीन है वो पहुंचे हुए हैं और अपने बच्चों के साथ, बीवी बच्चों के साथ यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, खवातीन की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, लेकिन जो ज़मान पार्क के बाहर की पुलिस एहलकारों की जानिब से उनको किसी किस्म का मुदाखलत तो नहीं की गई, लेकिन जो एंटी राइड फोर्स के जो दस्ते हैं वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और उनकी जानिब से जो मुतासरीन है उनको ज़मान पार्क जो इमरान खान की रहायश है उसके जेब से थोड़ा दूर भी कर दिया गया है, लेकिन जो मुतासरीन है उनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि हमें हमारे जो प्लॉट है वो वापस भी किए जाए, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो गवर्नमेंट है उससे मुतालबा किया जा रहा है कि वो हमें इंसाफ दे और जो हमारे प्लॉट थे 10,000 से ज्यादा जो मुतासरीन है उनके साथ ये फ्रॉड का मामला सामने आया।